पर अब तक अपना क्या हो चुका है और आज हम लोग क्या करने वाले हैं। जो बच्चे नए आए उन सभी लोगों को बताया तो हमें कि अभी तक अपना क्या क्या कर चुके हैं अब तक। दोस्तों ये जो सेशन चले हैं ना आपके, इसके अंदर हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया है। हमने पॉलिटी खत्म करी है, प्लस हिस्ट्री जो है हम लोगों ने पढ़ी है। हिस्ट्री के दोस्तों दो लेक्चर हैं जो कि और बचे हैं, फिर ये भी एंड हो जाएगी आपकी, ठीक है। ठीक है, और आज जो हम करने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद में हम लोग दो चीजें और कवर करेंगे, फिर ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इको पढ़ेंगे। हाँ वर्षा नई स्टूडेंट है, तो वर्षा मैंने बता दिया आपको, अभी तक हम लोग ये दोनों चीजें जो कि हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग गांधी जी के जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कई सारे सामाजिक सुधारक लोग थे, रिफॉर्मिस्ट थे, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है गाइस। अभी सबको समझ आ गया क्या क्या हो चुका है और क्या करना है? सबको समझ आ गया तो जल्दी से यस कर दो। और जो भी कोई डाउट वाउट हो तो भाई बता दिया करो आपके। अंकित काफी कम नंबर आ रहे हैं भाई। हाँ निरंजन देखो, जो पुराने वाली क्लासेस है ना उसको देखो साइड में टाइम निकाल के एक्स्ट्रा, और इन क्लासेस को रेगुलर देखते रहो। मुझे मालूम है मिस हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं, मिस हो गई तो भाई कवर कर लो। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़े। बाकी बच्चों के डाउट लास्ट में ले लूंगा मैं, जो जो बच्चों के डाउट है। बूस्टर तो निशा एक बार कोर्स जान दो, फिर बूस्टर करेंगे। पहले एक बार अगर मैं अभी क्वेश्चन कराने लग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, एक बार पहले कोर्स खत्म कर लो, फिर हम आगे से अच्छे तरीके से जो है वो कवर करेंगे, ठीक है गाइस। चलो तो स्टार्ट करते हैं गांधी जी के बारे में। सबसे पहले गांधी जी के जीवन के बारे में देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका जब गए थे उससे भी चलो ठीक है। हाँ ठीक है, गांधी जी का उदय और गांधीवादी राष्ट्रवाद की विशेषता। देखो जैसा कि आप सभी को मालूम है 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जो जन्म हुआ वो कहाँ पे हुआ? पोरबंदर में हुआ था, जो कि काठियावाड़ वाला एरिया माना जाता है। उनके पिता का नाम था क्या था? करमचंद गांधी। पंसारी जाति से संबंध रखते थे और ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत हुआ करती पोरबंदर, उसके दीवान हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि कहां पे जन्म हुआ है? पोरबंदर में हुआ है। पापा का नाम करमचंद गांधी और क्या थे? पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे। उनका विवाह कस्तूरबा जो है, उनका विवाह कस्तूरबा मानखन जी से करा दिया गया था। कस्तूरबा गांधी उनकी वाइफ थी, जैसा कि आपको मालूम है। वकालत की पढ़ाई करी लंदन के अंदर 1893 में गांधी जी जो है दादा अब्दुल्ला कंपनी के बाद की पैरवी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, ओके, जहां से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। यहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी दादा अब्दुल्ला कंपनी, उसके लिए तरफ से क्या गए थे वहां पे केस लड़ने लड़ने जो है वो वहां पे गए थे। दो तरीके से इनका राजनीतिक जीवन को देखा जाता है। 1893 से 1914 तब तक दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया और 15 से लेकर 47 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने योगदान दिया, ठीक है। अरे गलत लिख दिया, 83 आएगा। ये आया था, यहाँ पे आएगा 1883 आएगा, ठीक है। हाँ दीवान का मतलब नहीं पता क्या यार, दीवान भी होते क्या? हाँ इसका इंग्लिश नहीं है यार, इसका हिंदी है। हाँ 1883 होगा ये, है ना, तो चेंज कर लेना। उसके बाद में 93 में पैरवी करने ये वहां पे चले गए, ठीक है। ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सर्वप्रथम रंगभेद का जो अनुभव है, अरे भाई इंग्लिश में समझा रहा हूं ना, हिंदी में समझ लो यार, एक ही बात है। कोई प्रॉब्लम है क्या हिंदी में?
सब कुछ सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस करके बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यस करो, प्रॉब्लम है तो नो करो। सब कुछ सही है तो यस करो। डाल दूंगा इंग्लिश में भी, बाद में डाल दूंगा पीडीएफ आपकी, ठीक है? चलो, तो पहली बार दोस्तों ये जो अनुभव हुआ था ना, वो 1893 में प्रिटोरिया जाते समय हुआ, जब उन्हें प्रथम क्लास में पीटर्सबर्ग जो है ना, वहां पे रेलवे स्टेशन से उतार दिया गया, उन्हें फेंक दिया गया था, उतार भी कर दिया गया था। रंगभेद के विरुद्ध अपना संघर्ष जो है उन्होंने उसके बाद में स्टार्ट किया। देख सकते हो, मेमोरियल भी बना रखा है पीटर मार्टिन्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे, एक ये सूचना लिखी हुई है कि 7 जनवरी 1893 को इंसिडेंट चेंज हुआ था, जिससे जो है पूरे देश में, पहले साउथ अफ्रीका और उसके बाद इंडिया में सब कुछ बदल गया, ठीक है? प्रॉब्लम ये थी कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को 3 क्लास में बांटा हुआ था, 3 क्लासेस के अंदर। फर्स्ट क्लास थी जो कि मजदूरी करने आए हुए थे, जो कि लेबर क्लास थी। सेकेंड थी जो कि बिजनेसमैन थे, और कुछ वो थे जो कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर थे, जिनके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट था कि वो अपने परिवार के साथ में यहाँ पे बस गए थे, ठीक है? बहुत बुरी कंडीशन हुआ करती थी लोगों की, जो काम किया करते थे ना मील के अंदर, बागों में। बहुत ज्यादा तो अनपढ़ थे, मतलब बिल्कुल अनपढ़ हुआ करते थे, और बहुत कम अंग्रेजी वो लोग जानते थे, तो इनके साथ में काफी समस्याएं जो कि हुआ करती थी, ठीक है? सबसे पहले तो उन्होंने वहां पे आवाज उठाई जातीय रंगभेद, जो कि उन्होंने खुद महसूस करी थी। फिर वहां पे शोषण, एक से दूसरी जगह पे जाने पे उन्होंने काफी ज्यादा उनको रिस्ट्रिक्शन जो कि लगा रखा था, वोटिंग की पावर नहीं थी उनको, और मजदूर लोगों की जो कि थी कि जो हालत थी ना, वो बहुत ही गंदगी भरे क्षेत्रों में वो काम करते थे। तो ये सारे के सारे आवाज जो कि उन्होंने उस टाइम पे उठाई थी। सबसे तो उदारवादी चरण 1893 से 1905, इस टाइम पे उन्होंने क्या किया, अनुनय विनय की नीति का अनुसरण किया, और ठीक है वहां पे अंग्रेजों को उन्होंने बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे लोग बड़ी ज्यादा खराब कंडीशन में रह रहे हैं। पहले तो उन्हें ये लगा कि प्रशासन को पता ही नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन को पता ही नहीं कि लोग यहाँ पे कितनी गंदगी में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने पहला काम तो क्या किया कि बताने की कोशिश करी। बाद में सुन उनको ये बात समझ में आ गई खुद को कि इनको बताने से कोई फायदा नहीं है, इनको पता सब कुछ है लेकिन ये काम नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है पीटर मैरिट्सबर्ग की जो घटना होती है, उसके बाद 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ओके, 1899 में क्या होता है, इंडियन एम्बुलेंस कोर्स की स्थापना करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जब जो लोगों की युद्ध में हालत खराब होती है ना, लग जाती है, उनको ये एक मेडिकल हेल्प है जो कि अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है? मेडिकल हेल्प है जो कि अवेलेबल करवाते हैं। इस वजह से उनको क्या मिलता है, केसर है हिंद से उनको सम्मानित किया जाता है। अरे भाई IKS इंग्लिश, इंग्लिश वाली दे दूंगा, अवेलेबल अलग से करवा दूंगा, पढ़ लो यार, कंसंट्रेट करो, हिंदी में आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करी। फिनिक्स, ये देखो इंग्लिश में लिख दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उनकी जॉन रस्किन की किताब थी अंडू द लास्ट, उससे ये काफी प्रेरित थे, है ना? फिर दूसरी बार गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन करना स्टार्ट किया। उन्होंने क्या किया, अपना जो जो ये है ना, क्या बोलते हैं, नॉन वायलेंस की जो टेक्निक है, स्ट्रेटजी है, और साथ में सभी ये नॉन क्या बोलते हैं, पर नॉन नॉन कॉपरेशन, ओके, इसको इन्होंने अपना क्या बनवाया, हथियार बना दिया, पैसिव रेसिस्टेंस, इसको बोलते हैं पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन। पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन का भी इन्होंने क्या किया, ठीक है, रेसिस्टेंस एसोसिएशन का भी इन्होंने वहां पे फॉर्मेशन किया था, बिना हिंसा करना, प्रोटेस्ट करना नॉन वायलेंस के साथ में, ये सबसे बड़ा हथियार है जो कि उन्होंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है? तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि उस टाइम पे देखने को मिलती थी, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं।
आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे दोस्तों इनके बारे में कौन कौन सी समस्याएं थी। ओके, गांधी जी ने क्या किया, सत्याग्रही जो बने ना वो, उससे कई सारी चीजों की फाइंडिंग्स हुई कि भाई कभी बुराई के आगे नहीं झुकेगा, चाहे वो जो भी परिणाम हो, कभी भी बुराई के आगे झुकना नहीं है, सत्य की पालना करनी है, हिंसा का कभी भी जो है मार्ग जो पाथ है वो कभी भी नहीं अपनाना है, वायलेंस का पाथ इन्होंने को कभी भी पसंद नहीं था, पूरी तरीके से डिसएग्री किया करते थे। तो ये कुछ फाइंडिंग्स है जो कि उनके टाइम पे रही थी। ट्रैवर्सल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्ट का उन्होंने क्या किया था दोस्तों, उस टाइम पे काले कानून का विरोध किया था। इसमें क्या था दोस्तों कि अलग अलग उंगलियों के निशान लिए रखे थे उन्होंने और बोला था कि भाई ये लोग यही काम करेंगे, ये लोग यही काम करेंगे, है ना। और वैसे ट्रांसवर्स इमिग्रेशन एक्ट है, ज्यादा डिटेल में जाना नहीं है, आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में कई सारी घटनाएं हुई। ओके, ब्लैक एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह किया, अहिंसा आंदोलन किया उन्होंने, टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना करी जोहान्सबर्ग के पास में, ये पेपर में पूछते हैं, हाँ जो इम्पोर्टेंट होगा वो मैं टिक कर दूंगा, है ना। और इंडियन मैरिज एक्ट जो है उसकी स्थापना करी इन्होंने, ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये देखो, ये तो ऑरेंज फार्म है जोहान्सबर्ग के पास में, टॉलस्टॉय फार्म है, ये फिनिक्स फार्म है नेटल के अंदर। ओके, तो ये सब हुआ वहां पे, ठीक है, मेरी बात समझिए। तो ये साउथ अफ्रीका के अंदर इवेंट होते हैं जिसकी वजह से उनको साउथ अफ्रीका में काफी जाना जाता है, और ये सब करने के बाद में काफी सारी चीजों का समाधान होता है, और फिर वो वहां पे से इंडिया लौटते हैं दोस्तों 1915 से स्टार्ट करते हैं भारत में मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं वापस से गांधी जी की शुरुआत से दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी हिंदी इंग्लिश दोनों है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अक्टूबर 1869, ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा आपको बताया था कि भाई चलो ठीक है, आपको साउथ अफ्रीका में पता लग जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। और एजुकेशन स्टार्ट करते हैं राजकोट में, 1883 के अंदर मैरिज करते हैं कस्तूरबा गांधी के साथ, लंदन चले जाते हैं, डिग्री लेते हैं वहां पे, ब्रिटिश बार काउंसिल के अंदर एनरोल करते हैं। डेट याद नहीं करनी है आपको, 1891 के अंदर जो है वो इंग्लैंड छोड़ के घर पे आ जाते हैं, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर वो एनरोल करते हैं, खुद को बैरिस्टर बनते हैं यहाँ पे, फिर साउथ अफ्रीका चले जाते हैं 1893 के अंदर, है ना, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी को डिफेंड करने। पीटर मैरिजबर्ग के अंदर घटना होती है, उनको फर्स्ट क्लास ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है ये बोलकर कि ये कोच सिर्फ इंग्लिश लोगों के लिए है। वहां पे क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं ताकि भारतीय लोगों का इंटरेस्ट को रोका जा सके, नेटल इंडियन कांग्रेस बनाते हैं। एम्बुलेंस मैंने आपको बताया, एम्बुलेंस की शुरुआत करते हैं जिससे उनको क्या मिलता है वहां पे, केसर हिंद का टाइटल है जो कि मिलता है, अरे बैरिस्टर मतलब वकील। 1899 में वापस इंडिया आते हैं एक बार, फिर वापस साउथ अफ्रीका जाके वहां पर रेजोल्यूशन पास करते हैं, पहले तो इंडिया में पास करते हैं साउथ अफ्रीका को लेकर। कैलकाटा के अंदर कांग्रेस के अंदर सेशन चल रहा था, वहां पे बोलते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका के अंदर भी जो है ना ये जातिवादी, ये जो कलर को लेकर डिस्क्रिमिनेशन है उसको बंद करना है। तो रेजोल्यूशन साउथ अफ्रीका का इंडिया के अंदर डाउनलोड, इंडिया के अंदर क्या करते हैं ये पारित करते हैं। फिर 1902 के अंदर वापस से चले जाते हैं साउथ अफ्रीका में, कई बार पेपर में पूछते हैं कि पहला सेशन गांधी जी ने कब अटेंड किया था, तो ये फर्स्ट सेशन था 1901 का, समझ गए। फिर वहां पे ट्रैवर्सल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाते हैं, इंडियन ओपिनियन की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, फोनिक्स फॉर्म की शुरुआत करते हैं, पैसिव रेजिस्टेंस है जिसकी शुरुआत करते हैं, हिंद स्वराज अखबार लिखा उन्होंने। फिर 9 जनवरी 1915 को भारत लौटते हैं, इसलिए 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, एनआरआई डे है जो कि हम मनाते हैं। सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत करी अहमदाबाद के अंदर, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिलके सीए के, पहले हुआ चंपारण फिर अहमदाबाद फिर खेड़ा, तरीके से तीन जगह पे इन्होंने मूवमेंट करे। पहले तो क्या हुआ था कि ये शुरुआत में कांग्रेस में ज्वाइन कर गए थे, हाँ इंडियन ओपिनियन तो उन्हीं की किताब लिखी हुई थी, मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी, अरे भाई लिखा हुआ भी नहीं था, और मैनेजमेंट रेस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ले लेते हैं, कोई और नहीं खुद ही चलाएंगे, ठीक है। और पहले तो गांधी जी क्या मूवमेंट में कूदने वाले थे, तो ये जो गोखले है ना, गोपाल कृष्ण गोखले,
ये इनके पॉलिटिकल गुरु हुआ करते थे। इन्होंने बोला कि आप अभी साउथ अफ्रीका से आए हो, भारत के बारे में जानते नहीं हो, तो आप एक बार पहले लोकल मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करो, वहां पे समझो जानो, उसके बाद में इंडियन मूवमेंट के अंदर कूदना। अरे मैं न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर सब बता दूंगा, डोंट वरी, इंग्लिश में हिंदी में सब बता दूंगा, होल्ड करो थोड़ा सा, ठंड रखा करो, ठीक है। तो गांधी जी को समझ में आ गई कि पहले तो हमको क्या करना चाहिए, पहले तो क्या करना चाहिए, लोकल मूवमेंट है जो कि यहाँ पे करना चाहिए, उसके बाद में फिर हमें नेशनल मूवमेंट के अंदर कूदना चाहिए। तो पहले तो खेड़ा और ये सब तो करते ही है, वो सीएके वाले मूवमेंट है ना, उसके बाद में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जलियांवाला बाग मैसाकेर होता है 13 अप्रैल 1919 को, और गांधी जी यंग इंडिया जो है ना किताब थी उसका पहला एडिशन स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर का, खिलाफत और नॉन खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। उसके बाद में चौरी चौरा इंसिडेंट हो जाता है 1922 को, तो इनको वापस से विड्रॉ करना पड़ता है, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से लोग मरे। चौरी चौरा के अंदर आपको मालूम है दोस्तों यूपी के अंदर क्या हुआ था, काफी सारे पुलिस वालों को आग लगा दी गई थी, थाने को आग लगा दी गई थी, तो काफी लोग मर गए थे। गांधी जी बिल्कुल भी वायलेंस पसंद नहीं करते थे, तो इसको वापस से ले लिया मूवमेंट को इन्होंने, हाँ गोरखपुर के पास में जेल में डाल दिया गया 1922 में, यरवदा जेल में। फिर जेल से रिलीज किया गया 24 में, 24 के टाइम पे 21 दिन का फास्ट रखा इन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। फिर बेलगांव कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने 1924 में, वाइकॉम सत्याग्रह हेतु केरला चले गए एक बार, फिर कलकत्ता का सेशन अटेंड किया 1928 में, जहां पे रिजोल्यूशन पास किया गया था 31 अक्टूबर 1928 का, ओके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को 1928 में, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन पास किया जाता है कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लाहौर सेशन के अंदर 1929 में, ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920 में गाइस देखो 20 में स्टार्ट हुआ था, 21 में खत्म, 22 में खत्म हुआ मतलब, ठीक है। उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को घोषणा करी गई कि देश को आजाद कर दिया जाएगा, समझ गए, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है। गांधी जी जो है वो सॉल्ट का लॉ को ब्रेक करते हैं, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, 31 में जेल्स में छोड़ दिया जाता है। फिर गांधी अरविंद पैक्ट होता है दोस्तों 1931 में, जहाँ पे काफी सारी शर्तें रखी जाती है, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन एक शर्त नहीं मानी जाती जो कि भगत सिंह जी को लेकर थी, वो वाली फांसी वाली जो है, गांधी जी ने वो भी अपील करी थी लेकिन वो नहीं मानी गई, और बोला गया कि भाई इसके अलावा सारी शर्तें मान ली जाएगी, और अगर फांसी नहीं दी गई और फांसी के टाइम पे कोई प्रोटेस्ट होता है तो हजारों लोग मरेंगे, वापस से जलियांवाला बाग वाला कांड होगा, तो गांधी जी ने जो है वहां पे उसको साइन कर दिया। लंदन चले गए दोस्तों सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और एक ही बार अटेंड करी है, ओनली वन टाइम, कब करी थी 1931 में, और उसके बाद में वापस से रिस्टार्ट करने की सोचते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सेपरेट जो है इलेक्ट्रोड दे देते हैं, अलग निर्वाचन मंडल के खिलाफ उपवास शुरू किया दलितों के लिए। अंबेडकर जी चाह रहे थे कि भाई वापस से है ना एसटीएससी को भी अलग से जो है वो इलेक्शन के अंदर सीटों को मिले, ठीक है। तो फिर क्या होता है, पूना पैक्ट होता है गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, जिसमें गांधी जी बोलते हैं कि चलो ठीक है हम एसटीएससी को क्या दे देंगे अलग से रिजर्वेशन जो है ना इलेक्शन के अंदर जो सीटों का है ना वो हम दे देंगे, है ना। तो मुस्लिम लीग के साथ में जा रहे थे अंबेडकर, तो उनको मना किया कि आप मुस्लिम लीग के साथ में बन जाइए, यहां से स्टार्ट करिए। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत होती है दोस्तों, और 34 में वो कांग्रेस से रिटायर होने के लिए बोल देते हैं, सेवाग्राम आश्रम वर्धा के अंदर दोस्तों वो बनाते हैं, ठीक है, और वहां पे एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद में सत्याग्रही जो है इंडिविजुअल सत्याग्रह वो स्टार्ट करते हैं विनोबा भावे के साथ में, विनोबा भावे जो है वो सत्याग्रही बनते हैं। फिर गांधी जी दोस्तों सेड बोलते हैं कि मेरे जो पॉलिटिकल सक्सेसर है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, क्योंकि सब काफी यंग भी थे जवाहरलाल नेहरू, काफी काम कर रहे थे। उसके बाद में क्रिप्स मिशन आता है दोस्तों, क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च करते हैं गांधी जी, करो या मरो, ठीक है।
अरे भाई रटना कुछ नहीं है, रीडिंग करनी है इनकी यार, कौन पहले आया कौन बाद में, इतना सवाल आता है और कुछ भी नहीं आता आपके पेपर में। मैंने तो आपको बहुत डिटेल में बताया, हर एक चीज के बारे में बताया है आपको, इतना कोई रटना नहीं है, कब को कौन से साल में क्या हुआ इतना कुछ याद नहीं करना, रीडिंग करोगे पता होना चाहिए कब क्या हुआ है बस। ठीक है, उसके बाद में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बनती है बॉम्बे के अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया जाता है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है ना पहले से ही। फिर कुछ यंग लीडर्स होते हैं जैसे कि अरुणा अशरफ अली, जेपी नारायण, आजाद दस्ता जिसको क्या बोलते हैं, आजाद सीक्रेट सोसाइटी, ये लोग जो है इस मूवमेंट के अंदर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर काम करते हैं। ठीक है, 44 में रिलीज किया जाता है जेल से, कैबिनेट मिशन आता है, शिमला कॉन्फ्रेंस होती है, कैबिनेट प्लान आता है, ये सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। और ठीक है, उसके बाद में 47 में दोस्तों काफी प्रॉब्लम होने लगती है देश के अंदर, दंगा वंगा ये सब, गांधी जी वापस से फास्ट के लिए चले जाते हैं क्योंकि देश विभाजन उस टाइम पे नहीं चाहते थे, हिंदू मुसलमान डिवाइड हो जाए ये वो नहीं चाहते थे। ठीक है, देश में दंगे भड़क जाते हैं 48 में, उसके खिलाफ भी वो क्या देते हैं, धरना देते हैं और फास्ट करते हैं। ओके, और फाइनली दोस्तों 30 जनवरी 1948 को गांधी जी जो है उनको गोली मार दी जाती है बिरला हाउस प्रेयर के टाइम पे नाथुराम गोडसे के द्वारा, क्योंकि नाथुराम गोडसे आपको मालूम है पूरी तरीके से राष्ट्र हिंदूवादी थे, और गांधी जी जो थे वो चाहते थे कि भाई देश में सभी लोग रहे, सभी बोल अच्छे से रहे, ये इनकी आइडियोलॉजी हुआ करती थी। ठीक है, तो एक पॉइंट ब्लैंक रेंज से जो है उनको गोली मार दी गई। ठीक है दोस्तों, और ये था पूरा गांधी जी के लेकर आपका दोस्तों पूरा मूवमेंट, गांधी जी के शुरुआत से लेकर आज तक आखिरी तक, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो यस करो, कुछ भी नहीं है ऐसा, आपको सिंपल सिंपल रीडिंग करनी है, रीडिंग कर ली अगर आपने तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। गांधी जी की पूरी जीवनी के बारे में मैंने आपको बता दिया, कस्तूरबा गांधी और उनके जो असिस्टेंट थे, क्या नाम था सेक्रेटरी का नाम क्या था, सेक्रेटरी का नाम क्या था, वो जेल में मर गए थे 42 से पहले के कैंपेन की डेथ हो गई थी। अरे भाई बताओ भाई, सेक्रेटरी देसाई देसाई करके था ना, पूरा नाम बताओ। हाँ, बीडी सावर के ऊपर भी केस चला था इस चीज का प्लान करने को लेकर, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि एविडेंसेस कम थे, और एविडेंसेस कम होने की वजह से जो है उनको छोड़ दिया गया था। दो लोगों को फांसी हुई थी, एक तो ये गोडसे और एक और था ना, एक आपटे आपटे पता नहीं कुछ ऐसा कुछ नाम था। बताओ भाई, राधिका आपटे, महादेव देसाई का नाम सुना है क्या? ठीक है, महादेव देसाई, हाँ ये इनके सेक्रेटरी हुआ करते थे, और काफी इन्होंने इनका काम किया, काफी टाइम तक साथ में रहे, फिर बाद में जब ये जेल में थे ना 42 के टाइम पे, उससे पहले इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है चलो, ठीक है गाइस, तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको इस केस के अंदर, सिर्फ रीडिंग करनी है और गांधी जी की क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ, है ना, इतना बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, शुभम 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, 6 महीने में तो होपफुली एग्जाम हो जाएगा। उत्कर्ष देखो, ये सब जो न्यूज आती है सब फेक होती है, हर अखबार में अलग अलग आती रहती है। तीन कैपिटल है साउथ अफ्रीका की, हाँ बिल्कुल शरद ये सफिशियंट है, चलो आगे बात करें।
निकलते हैं दोस्तों अपने इम्पोर्टेंट सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार आंदोलन के जो सुधारक थे ना उनके बारे में। पेपर में क्या क्या पूछते हैं ये सब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले राजा राम मोहन राय, आत्म समाज की शुरुआत इनके द्वारा करी गई, कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर 1815 के अंदर। उसके बाद में ब्रह्मो समाज, उसका नाम बदल के ब्रह्म समाज है जो कि रख दिया गया। यूनिवर्सल गॉड में बिलीव रखा करते थे, सिंगल गॉड में, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, सिंगल गॉड के अंदर मेडिटेशन करो, उपनिषद पढ़ो, भगवान कोई भी आप यूनिवर्सल एक गॉड अपना लो, कोई टेंपल, कोई रिचुअल, कोई सेक्रीफाइसेस, कोई प्रेस्ट पुजारी, कुछ भी ब्रह्म समाज के अंदर नहीं थे, समझ गए। और जनरल था इनका कुमुदी नाम से, कुमुदी नाम से इनका अखबार हुआ करता था, ठीक है। सेकंड है दोस्तों देवेंद्रनाथ टैगोर, इनको फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है देवेंद्रनाथ टैगोर, ओके। तत्व बोधिनी सभा इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, पब्लिश किया तत्व बोधिनी पत्रिका, इन्होंने इसको ब्रह्म समाज के साथ में इसको मिला दिया, ओके। और ब्रह्म धर्मा नाम से इन्होंने शुरुआत करी उपनिषद के मैसेज के साथ में, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर हो गया, देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम भी ब्रह्म समाज से जुड़ता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ओके। संस्कृत कॉलेज जो है उसकी स्थापना करी, और विडो रीमैरिज के अंदर इन्होंने काफी बड़ा काम किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो सबसे बड़ा नाम है वो विडो की रीमैरिज, विधवा पुनः विना विवाह के अंदर इनका सबसे बड़ा नाम है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पे पांडुरंग, पांडुरंग ने क्या स्टार्ट किया दोस्तों? प्रार्थना समाज है ना, ओके। और ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आते हैं गोविंद एम जी रानाडे, जिनको अपन गोविंद रानाडे कहते हैं। तो अरे नहीं, दोबा पांडुरंग ने इन्होंने किया था एम जी रानाडे, और आत्मारंग पांडुरंग ने किया था प्रार्थना समाज का शुरुआत, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। इन्होंने यहाँ पे तो परमहंस सभा की शुरुआत करी थी इन्होंने, परमहंस सभा तो थी डोडोबा पांडुरंग की, और आत्माराम पांडुरंग जो थे ना इन्होंने एम जी रानाडे के साथ में प्रार्थना प्रार्थना सभा जो है उसकी शुरुआत करी थी, ठीक है। इसके अलावा विष्णु शास्त्री और भी कई लोग थे जिन्होंने काम किया, और इन लोगों ने भी विडो रिमैरिज के ऊपर काम किया था, ठीक है। और प्रार्थना समाज ने क्या वेदास और उपनिषद को रिजेक्ट नहीं किया था, हालांकि भक्ति के ऊपर इन्होंने ज्यादा जोर दिया था। नेक्स्ट है स्वामी दयानंद सरस्वती, और शुद्धि मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने स्टार्ट की थी, ओके। जिन लोग हिंदू से कन्वर्ट हो गए थे उनको वापस से लेके आने का काम है जो कि इन्होंने किया था। सुपरस्टिशियस के ऊपर, कई शादियां ना करो, ब्राह्मण जो है वो सबसे सुपीरियर होते हैं, इनके ऊपर जो है सायनंद जो स्वामी दयानंद सरस्वती है उन्होंने इसके ऊपर काम किया, ओके। तो इन्होंने भी टच अनटचेबिलिटी के ऊपर काम किया, और कास्ट को जो है रिजिडनेस, जाति की कठोरता जो है उसको उन्होंने खंडन किया, और सत्य प्रकाश की शुरुआत इन्होंने करी, ओके। स्वराज की एडवोकेट करने वाले पहले पर्सन यही थे, स्वराज का स्वराज जो है ना उसकी शुरुआत करने वाले सबसे पहले यही थे दोस्तों, ठीक है। आर्य समाज के बारे में बात करें तो जैसा कि आपको मालूम है आर्य समाज ने सुना होगा ना आपने नाम, आर्य समाज जो है दोस्तों वो भी किसके अंदर बिलीव करता है? एक भगवान में बिलीव रखता है, और ये दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी 1875 के अंदर। ये एक गॉड में बिलीव रखते हैं और मूर्ति पूजा को खंडित कर मतलब नहीं मानते हैं, समझ गए। तो आर्य समाज क्या हो गया? दयानंद सरस्वती हो गया। ठीक है, डीएवी स्कूल का नाम सुने होगे ना, डीएवी स्कूल्स होते हैं, दयानंद एंग्लो वैदिक, ये तो नाम होता है दयानंद के नाम पे होते हैं वो,
फिर नेक्स्ट आते हैं स्वामी विवेकानंद दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी 1896 में, बेलूर जो है कोलकाता के पास में वहां पे इन्होंने मठ की स्थापना करी, बेलूर मठ कहते हैं दोस्तों, जो कि गरीब लोगों को मदद प्रोवाइड करता है। और ठीक है 11 सितंबर को स्पीच दी यूएस के अंदर, शिकागो के अंदर हिंदुइज्म के ऊपर, और पूरी दुनिया जो है वो काफी इंप्रेस हुई इनकी स्पीच से। ठीक है फिर आता है ब्लेविस्की, एचपी ब्लेविस्की के बारे में बात करें तो थियोसोफिकल सोसाइटी जो है ना वो न्यूयॉर्क के अंदर इन्हीं के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, जिसको बाद में एनी बेसेंट जो है इंडिया आई थी इनके काम के ऊपर। ओके तो ब्लेविस्की जो है वो 1879 में इंडिया भी आई थी, मद्रास में इन्होंने हेडक्वार्टर भी बनाया था, और इन्होंने स्टडी करी थी उपनिषद की, गीता की, इन सभी की। साथ में एनी बेसेंट की बात करें तो इन्होंने भी थियोसोफिकल सोसाइटी को इंग्लैंड में ज्वाइन किया था और इंडिया आई थी दोस्तों। ठीक है इंडिया में आने के बाद इन्होंने भगवद गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी किया, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनाया बनारस के अंदर, बीएचयू के अंदर जो है फॉर्मेशन में इनका काफी बड़ा रोल है। ओके और पहली महिला भी बनी आईएनसी की प्रेसिडेंट बनने वाली, फर्स्ट फीमेल जो कि प्रेसिडेंट बनी। ठीक है गाइस उसके बाद में आते हैं राधाकांत देव, राधाकांत देव की बात करें तो धर्म सभा की इन्होंने शुरुआत करी 1830 के अंदर, और ब्रह्म समाज के जो है विचारों का मुकाबला कर रहे थे धर्म सभा से, उन्होंने भी सती प्रथा को बंद करने के लिए बोला। तो आपसे पूछे राधाकांत देव कौन थे, तो ये धर्म सभा के फाउंडर थे। हेनरी लुइस थे, उसी प्रकार से यंग बंगाल मूवमेंट की शुरुआत इन्होंने करी, ट्रेडिशनल तरीके ऊपर, पढ़ाई लिखाई के ऊपर जोर दिया है ना, वुमेन के राइट्स के ऊपर जोर दिया। इसी प्रकार से अहमद खान थे जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना करी। ओके और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है जो कि आज एएमयू माना जाता है उसकी शुरुआत करी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर इन्होंने काफी काम किया। सर अहमद ने स्टार्ट किया जनरल, उसका नाम था ताजिक अल अलकाक। उसी प्रकार से ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्यशोधक समाज की शुरुआत करी गई, और अनटचेबिलिटी को लेकर ये काफी काम किया करते थे। ठीक है वैसे ही रामास्वामी नायकर थे, इनको पेरियार नाम से जाना जाता था, इन्होंने भी सपोर्ट किया हरिजन को, हीरो बने, सत्याग्रह बने, सत्याग्रह के तौर पे काम किया है ना, छुआछूत की प्रॉब्लम को लेकर इन्होंने काफी काम किया, और इनके सेल्फ रेस्पेक्ट लीग जो है उसको मर्ज कर दिया गया जस्टिस लीग के अंदर, और डीएमके जो पार्टी है ना उसका फॉर्मेशन किया। ठीक है तो ये थे कुछ अपने रिफॉर्मर्स दोस्तों जिनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो गांधी जी के बारे में होपफुली आपको सारी बातें समझ आ गई होगी, और अभी रिफॉर्मिस्ट जो मैंने आपको बताया इनके बारे में भी आपको बेसिक बातें समझ में आ गई होगी। अब एक हम पढ़ेंगे लीडर्स ऑफ इंडिया, जो इंडिया के लीडर्स थे ना, नेहरू से लेकर अपने जितने भी पटेल जी से लेकर जितने भी लीडर्स थे, गोखले साहब, लाला लाजपत राय, उनके बारे में कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है तो एक बार लीडर्स ऑफ इंडिया अपना खत्म हो जाएगा, उसके बाद में मुझे लगता नहीं है कुछ बचा है अपना। ठीक है गाइज तो कल अपना जो है वो एंड हो जाएगा, साउथ इंडियन हिस्ट्री करने की आपको जरूरत नहीं है, पेपर में आपके नहीं आएंगे सवाल वहां से। ठीक है हालांकि पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। उसके अलावा फिर दो चीजें और है, न्यूज़पेपर्स, लीडर्स ऑफ इंडिया के बाद में एक न्यूज़पेपर हो गया जो जनरल हो गए, उनके बारे में भी देखेंगे है ना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दो टॉपिक अपने बच्चे कल या परसों में आपकी हिस्ट्री जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। ठीक है साउथ इंडिया पढ़ने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ अवेलेबल कर दूंगा आप देख लेना, तो क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है, आपके पेपर में नहीं आएगा सवाल वहां से। ठीक है गाइज ठीक है सब कुछ समझ आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, इज एवरीथिंग ऑल राइट। फिर हम लोग चलेंगे इको की तरफ और फिर चलेंगे ज्योग्राफी की तरफ। ठीक है गाइज और एसएससी में आ जाती है साउथ इंडिया से एक आधे सवाल, इसलिए मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा तो आप वहां से कर लेना। अरे भाई वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है यार, क्या कर रहे हो, मोदी जी के बारे में, मोदी जी के बारे में मोदी जी खुद बता देंगे, आप मुझे बताने की जरूरत है। ठीक है चलो ठीक है दोस्तों वापस से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू गुड बाय, हैव अ नाइस डे। आज के दो ही टॉपिक थे अपने पास में, और गुंजन ने यहाँ पे एक एक्सपीरियंस शेयर किया है, गुंजन बोल रही है कि
हाँ थैंक डिप्रेशन में चली गई थी काफी, और विपासना के बारे में मैंने बताया था, तो ये विपासना जाके आई और ये काफी खुश है अपनी लाइफ से और सब कुछ अच्छा चल रहा है अभी। ठीक है, बिल्कुल यार, बुक्स तक लिमिटेड होने का मतलब नहीं होता कभी भी। ओके, तो गुंजन, होपफुली कि अब आप, आपको लाइफ के अपने जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में पता लग गया होगा। ठीक है, करियर इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आपकी लाइफ का, है ना, सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, मस्त रहा करो। आपके और बाकी बच्चों में भी किसी को कोई ज्यादा ही समस्या हो रही है, लगता है कि बहुत डिप्रेशन में है, कोई चीजें सही नहीं हो रही है, तो विपासना जा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, आराम से अपना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अपना मेडिटेशन करो और रेगुलर करो, है ना। ठीक है, कास्ट सिस्टम को गांधी जी ने भी अबॉलिश ही किया था भाई, और क्या है। ठीक है गाइस, कहते हो छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, किसी का नाम है या कोई भी पूछना है, तो एक बार आप वो भी गूगल सर्च भी कर लिया करो यार, है ना। थोड़ी थोड़ी जो बेसिक बेसिक चीजें है ना, जो कि आप गूगल से पता कर सकते हो, देख लिया करो। और जो आपको नई समझ में आती है, कुछ कंसेप्ट जानना है, तो वो जो है फिर हम यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सुधांशु, आपका कंप्यूटर का कोर्स स्टार्ट कर देंगे, डोंट वरी। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, कल वापस से मिलेंगे, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।